जी 21 में इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें इन्फिनिटी पे ये मसला बनाएगा। ठीक है, जब आप इन्फिनिटी पर पुट करते हैं तो ये बन जाता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, अनडिटरमाइन हो जाता है। जीरो पे तो ये लॉग वन, ऊपर ऊपर जीरो बनेगा ना, नीचे तो वन आएगा ही आएगा। इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम है, तो इन्फिनिटी की वजह से ये इसकी फॉर्म जो है वो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, ये हम ख़त्म भी कर लेंगे, फिर बाद में देखेंगे। ये लिमिट जब इन्फिनिटी हो तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लगाने की जरूरत कोई नहीं होती। जीरो से टी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब इसमें एक मसला और है कि इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि तो इंटीग्रेशन करने के लिए डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करें ना तो एक को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे एक को सेकंड रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेम होगा, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जब आप दोबारा इंटीग्रल लगाएंगे ना तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन जो है, जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो पहले वाला बन जाएगा, दूसरे सेम हो जाएगा, तो ये इस तरतीब से ये चलते जाएंगे और साथ 2x आ जाएगा। तो इस वजह से ये मसला रहेगा हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे एक्स इक्वल टू, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो ना, टेन थीटा लेट करते हैं, लेट कर देंगे, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ए की जगह 1 आएगा टेन थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अच्छा, लिमिट्स भी चेंज करते होते हैं जब, आपको पता है हम पुट करते हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक लिमिट क्या हो जाएगी वो लिख लें, एक्स इक्वल टू टी है और एक्स इक्वल टू जीरो है हमारे पास। पहले हम टी पुट कर देंगे एक्स जगह पे, टी इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी। इस तरह से जहाँ पे एक्स जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ जीरो इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से जीरो पे टेन जीरो होता है, थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह आ गया, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जीरो, और ऊपर वाली लिमिट वही हो गई है टेन इनवर्स ऑफ टी लॉग 1 प्लस एक्स जगह लगा के टेन थीटा, लेकिन स्क्वेयर भी है तो बन जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा। इस तरह यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, और डी एक्स की जगह लगा देंगे इसकी वैल्यू सिकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, ये डी एक्स की वैल्यू, ये एक्स की जगह पे टेन थीटा आ गई। तो मेरा बेटा ये आपके पास आ जाएगा, लिमिट टी अप्रोचे टू इन्फिनिटी जीरो टू टेन इनवर्स ऑफ टी नेचुरल लॉग 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वेयर थीटा इन टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ये सीकेंड स्क्वेयर से सीकेंड स्क्वेयर हो जाएगा कैंसल। ठीक है जी, तो बाकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लिमिट, ठीक है, टी अप्रोचे टू इन्फिनिटी, और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास जीरो टू टेन इनवर्स ऑफ टी। ये टू जो है ना पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग का रूल होता है, पावर को शुरू में शिफ्ट कर जाता है, लिख के सीकेंड थीटा, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, और डी थीटा। ये इसको मैं मिटा दूँ, नीचे वाली लाइन जो मैं लगा रहा था ये मिट गया। ये मेरा बेटा आ गया आपके पास इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचे टू इन्फिनिटी टू जीरो से टेन इनवर्स ऑफ टी, ठीक है, और नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा।
डी थीटा, लिमिट टी अप्रोचे टू इन्फिनिटी टू एन टू जीरो टू टेन इनवर्स ऑफ टी, ये आप लिख सकते हैं लॉग का रूल लगा के, नेचुरल लॉग वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और लॉग की वैल्यू वन पे जीरो होती है एज यू नो। लिमिट टी अप्रोचे टू इन्फिनिटी टू जीरो टू टेन इनवर्स ऑफ टी, लॉग वन पे जीरो माइनस नेचुरल लॉग कॉस थीटा डी थीटा, ये माइनस यहाँ शुरू में लगा देंगे। लिमिट टी अप्रोचे टू इन्फिनिटी माइनस टू जीरो टू टेन इनवर्स ऑफ टी, नेचुरल लॉग कॉस थीटा डी थीटा। अब मेरे बेटा हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है जी। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट हम इसका एक फार्मूला होता है वो लगा देंगे, वो हमारे पास फार्मूला इसका है, हमारे पास फार्मूला इसका एक होता है, ये आपके पास जीरो टू ज़ीरो टू पाई बाई टू अगर हो, ठीक है। और इसको ना मैं ऐसे कर दूँ आपको ना, ये आपको बड़ा इजी हो जाएगा सवाल करना, अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दूँ ये बन जाएगा माइनस, लिमिट मैं पुट कर रहा हूँ जहाँ पे टी है ना वहाँ पुट होनी है, ज़ीरो टू टेन इनवर्स एट इन्फिनिटी नेचुरल लॉग का, पहले हम ऐसा नहीं करते थे लेकिन यहाँ हम ऐसा करेंगे, हमने एक फार्मूला लगाना है इसके लिए, जीरो टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी पे होता है पाई बाई टू नेचुरल लॉग कॉस थीटा डी थीटा। अब आप ऐसा करें, जो आपके पास एक्सरसाइज है 5.2, इससे पीछे एक रिजल्ट प्रूफ हुआ हुआ है कि जीरो टू पाई बाई टू नेचुरल लॉग कॉस थीटा, इसी एक्सरसाइज से पीछे जहाँ उसकी फर्स्ट एग्जांपल है 5.2 की ना, उसके ऊपर देखें तो ये आपको मिल जाएगा नेचुरल लॉग कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये इक्वल होता है माइनस पाई बाई टू नेचुरल लॉग टू। दरअसल ये इसका प्रूफ है जीरो टू पाई बाई टू नेचुरल लॉग साइन थीटा का, ये इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ उसके नीचे ये रिजल्ट लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.2 से पहले, ठीक है। वहाँ से बुक से अगर आप देखें, कैलकुलस की बुक निकालें तो उसमें देखें मिल जाएगा आप, यहाँ नेचुरल लॉग साइन पाई बाई टू का ये साइन थीटा का प्रूफ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये इसका प्रूफ ख़त्म हो रहा है, अगले सफ़े पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड वाला सफ़ा होता है वहाँ पे शुरू होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ये ख़त्म होगा अगले सफ़े पे, उसके नीचे आप देखें तो ये वाला रिजल्ट लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके कर देंगे माइनस पाई बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ टू, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस पाई इन टू नेचुरल लॉग टू, तो ये फाइनाइट आंसर आया, तो आप कहेंगे कन्वर्ज, ठीक है। एम क्वेश्चन है, देख लिया आपने, एम है भी सही, इसमें 5.2 वाला रिजल्ट भी यूज हुआ है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ये कहता है जीरो टू इन्फिनिटी वन ओवर, बल्कि एक्स ओवर वन प्लस एक्स, और साथ लिखा हुआ है जी वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स, ठीक है जी। अब ये भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, आप लिमिट पुट करें तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, इन प्रॉपर फॉर्म है, इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हम स्टेप पहला करेंगे, लिखेंगे लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिख लेंगे जीरो से टी, जब इन्फिनिटी पे लिमिट आप लगाते हैं ना तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत कोई नहीं होती इसमें, तो लेफ्ट वाली में राइट वाली में लिखने की जरूरत होती है, अदरवाइज कोई नंबर होता तो आपको पता ऊपर वाले के साथ आपने क्या लगानी होती है लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड की और नीचे वाले की के साथ राइट हैंड साइड वाली। तो ये एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें भी लेट कर लें एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इस तरह से डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा,
डी थीटा लिमिट चेंज कर लें, एक्स की पहले जीरो है फिर एक्स की टी है वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या लेट किया हुआ एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स की जीरो लगाया तो टेन थीटा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स जीरो, और टेन जीरो पे जीरो होता है थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगी। इस तरह से टी पुट कर दें तो टी इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टी। पुट कर देते हैं इसमें लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी जीरो टू टी, एक्स जगह पे टेन थीटा, नीचे भी एक्स जगह पे टेन थीटा, यहाँ भी एक्स जगह पे टेन थीटा, डी एक्स की जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। लो जी ये सिंपलीफाई हो जाएगा लिमिट टी अप्रोचे टू इन्फिनिटी, ये आपके पास जीरो टू टी टेन थीटा और वन प्लस टेन थीटा, एज इट इज हम लिख लेते हैं फिलहाल सारा कुछ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा ये काट जाएगा, ये काट गया, बाकी आगे टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन थीटा, ठीक है जी। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी जीरो टू टी, क्योंकि मैं अगले सफ़े पे लिख देता हूँ फिर वहाँ सिंपलीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी जीरो टू टी टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन थीटा और डी थीटा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी जीरो टू टी टेन थीटा, आपके पास इक्वल होता है किसके साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और वन प्लस टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ए टू डी थीटा। अगर आप गौर करें तो कॉस थीटा एलसीएम आएगा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी जीरो टू टी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा कर लें एलसीएम, बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया डी थीटा, ठीक है जी। अब मेरा बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई ऐसे लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी जीरो टू, यहाँ पे सॉरी टेन इनवर्स टी है, यहाँ पे भी टेन इनवर्स टी है, यहाँ भी टेन इनवर्स टी है, ठीक है ना, जीरो टेन इनवर्स टी, बाकी बच गया साइन थीटा ओवर वन प्लस सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, ये टी पुट कर दे लिमिट, यहाँ पे टी है वहीं पुट होगा ना, टी पावर में है और इसके अपर लिमिट में है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी पे सबको पता है कि पाई बाई टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपके पास, इसको मैं ना आई का नाम दे रहा हूँ। अब इसका जवाब निकालना बड़ा इजी हो जाएगा, ये यहाँ पे मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, फाइव पॉइंट टू वाला रूल लगना है यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फाइव पॉइंट टू में एक रूल आपने पढ़ा हुआ है जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पे यूज की हुई है, फाइव पॉइंट टू में ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करें प्रॉपर्टी तो बन जाएगा आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन, ये ए है ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा, नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। लो जी प्रॉपर्टी का आप लगा ली यहाँ पे, यहाँ पे एक बात और है वो लिख लें, ये रूल आपने पढ़ा है कि अगर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा हो तो ये इक्वल होता है कॉस थीटा के, ठीक है, क्योंकि पाई बाई टू के साथ आठ नंबर है, आठ नंबर हो तो साइन कॉस में चेंज होता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पॉजिटिव आएगा, कॉस पाई बाई टू
माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। ये भी आपको पता है कि ना पाई बाई टू 90 डिग्री है, पाई बाई टू के साथ वन है, वन आड नंबर है, अगर आड है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, ये मेरा बेटा बन जाएगा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा ये कॉस था ये साइन थीटा, और ये साइन थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। ये इसको कह देते हैं इक्वेशन वन, इसको कह देते हैं इक्वेशन टू, इधर कह देते हैं एडिंग, वन प्लस टू करके ऐड कर दे। ये सेम क्वेश्चन 5.2 में हमने किया हुआ है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, लास्ट वाले से मेरे ख्याल में पीछे वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, ये वाला वो क्वेश्चन बनता है सेम वही। अब यहाँ पे इसको ऐड किया तो बन गया आई प्लस आई, दोनों तरफ एडिंग हो जाएगी, आई प्लस आई इज इक्वल टू, ये दोनों की लिमिट सेम है, ये कॉमन निकाल लें 0 to π/2, पहले वन वाली इक्वेशन लिख लें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर टू वाली इक्वेशन लिख लें कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख लें डी थीटा। ठीक है, तो देखें नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, इनका एलसीएम निकाल लें तो डिनोमिनेटर जो है आपके पास है ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ, बल्कि इधर इसको ये बन जाएगा ना आई प्लस आई टू आई, आगे लिख लें ये बन जाएगा टू आई इज इक्वल टू। अच्छा आगे देखें 0 to π/2 है, ये आ गया 0 to π/2, बाकी मैंने एलसीएम कर लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एलसीएम आ गया, क्योंकि नीचे दोनों के सेम है वैल्यू, तो ऊपर वाली ऐड हो जाएंगे, ऊपर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा और डी थीटा, ये सेम है इसलिए इनको कर दें कैंसल, ये सारी से ये सारी कैंसल, तो वन बन गया यहाँ पे वन, टू आई इज इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ पे वन डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कर दें तो आपको पता है इंटीग्रेशन इसकी थीटा आएगी, ये आ जाएगा 0 to π/2, इसमें लिमिट्स पुट कर दें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा टू आई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस जीरो, थीटा की जगह पे जीरो पुट कर दिया तो ये आ गया टू आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, और आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई फोर। ये फाइनाइट आंसर आया है, अगर आंसर फाइनाइट हो तो कन्वर्ज होता है, ये कन्वर्ज, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो ई पावर एक्स ओवर वन प्लस ई पावर एक्स डी एक्स, ठीक है जी, ये आपके पास है क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप ई पावर इन्फिनिटी है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, ये ई पावर एक्स माइनस इन्फिनिटी लगाएं इसमें, तो ये आपके पास जीरो और जीरो की फॉर्म आएगी, आप हल कर सकते हैं ई पावर माइनस इन्फिनिटी ओवर वन प्लस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर ई पावर इन्फिनिटी ओवर वन प्लस वन ओवर ई पावर इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पास था कि इसको आप सॉल्व करें तो वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, तो ये इसकी फॉर्म इम्प्रॉपर बनती है, लेकिन ये इस वजह से नहीं बन रही इम्प्रॉपर, क्योंकि ये तो बन रहा है ना ज़ीरो ओवर वन इक्वल टू ज़ीरो, ये इस वजह से नहीं बन रही, लेकिन इसको इम्प्रॉपर किस वजह से हम कहेंगे, ये इस इन नंबर की वजह से नहीं बन रही इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर बन रही है, देखो ना ये सिर्फ इस इन्फिनिटी की वजह से बन रही है, कि हमने ये भी पढ़ा था कि जब लिमिट में इन्फिनिटी आ जाए तो इम्प्रॉपर होता है, तो हम यहाँ कहेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी लगा है वहाँ टी लगा के इधर जीरो कर देंगे, ये ई पावर एक्स ओवर वन प्लस ई पावर एक्स डी एक्स, जरा इसको हम डायरेक्ट करके कर लेते हैं, क्योंकि नीचे वाले को अगर आप डेरीवेट करें ना, नीचे वाले को डेरीवेट करें डी ओवर डी एक्स वन प्लस ई एक्स, तो आंसर आएगा ई एक्स, ये इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का ऊपर मौजूद है,
जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ऐसे करके लिख देते हैं वन प्लस ई एक्स की पावर माइनस वन और ई एक्स डी एक्स। तो अगर यहाँ पे फंक्शन है इसकी पावर में माइनस वन है, यहाँ पे रूल अच्छी तरह पता है आपको, मैं फिर एक बार आपको ना याद कराना चाहता हूँ। यहाँ पे पावर में है माइनस वन और इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी ये साथ मौजूद है, फंक्शन की पावर में माइनस वन आई है और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी साथ मौजूद है, तो क्योंकि पावर में माइनस वन आया है और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो यहाँ इंटीग्रेशन का नेचुरल लॉग बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस ई एक्स। ऐसे इसी रूल को एक तरह और भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे पावर माइनस वन ना होती, फंक्शन का डेरिवेटिव होना जरूरी है, ये जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है पावर के अंदर इसका डेरिवेटिव साथ हो, इसका डेरिवेटिव साथ हो लेकिन फंक्शन की पावर जो है वो माइनस वन के अलावा कोई और हो तो फिर पावर रूल लगाते हैं, अगर माइनस वन हो तो नेचुरल लॉग लगाते हैं। ये बन जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं नेचुरल लॉग वन प्लस ई एक्स, ई पावर जीरो हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग वन प्लस ई पावर टी, ये बन जाएगा आपके पास लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग वन, ई की पावर जीरो भी वन होती है, माइनस नेचुरल लॉग वन प्लस ई पावर टी। अब हम टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये जेहन में रखना, माइनस इन्फिनिटी गलती ना करना। तो ये माइनस इन्फिनिटी आ गया, इसको सॉल्व कर लें, इक्वल टू नेचुरल लॉग टू माइनस नेचुरल लॉग वन प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी को हम बटे में करेंगे, पहले नेचुरल लॉग वन प्लस वन ओवर ई पावर इन्फिनिटी, और किसी नंबर की पावर में इन्फिनिटी हो तो वो इन्फिनिटी होता है, लॉग ई एक नंबर है, ये इन्फिनिटी आ गया, और वन ओवर इन्फिनिटी आपको पता है ये ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो हो गया, ये आ गया नेचुरल लॉग टू माइनस नेचुरल लॉग वन, और नेचुरल लॉग वन पे भी आपको पता है ये क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर आ गया नेचुरल लॉग टू, ये नेचुरल लॉग टू फाइनाइट होता है, इट कन्वर्ज, ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। ठीक है जी, तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन आपका हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 24 कोशिश करके कीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 25 आसान सा है, 24, और इसमें आपके करने का जो क्वेश्चन है 26 भी आप कर सकते हैं, 26 भी कर सकते हैं क्योंकि इस जैसे सवाल हम पहले कर चुके हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 कर सकते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप माइनस वन से जीरो, जीरो से वन कर सकते हैं, ये आपने कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। ये सवाल 25, 24, 25, 26, 28, 27 नहीं करना, ठीक है, वो मैं कराऊंगा और बाकी सारे मैं कराऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।